हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट के बारे में कि बट बेल्ट की स्ट्रेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं। तो बट बेल्ट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें दो केस की स्टडी करनी होगी। सबसे पहला हमारा है केस नंबर फर्स्ट कि कंप्लीट पेनिट्रेशन केस में हम बट बेल्ट की स्ट्रेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं। दूसरा केस नंबर टू इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन केस में हम बट बेल्ट की स्ट्रेंथ हमारी की गई अगर बट बेल्टिंग तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन केस में हम बट बेल्ट की स्ट्रेंथ हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। तो इन दोनों को समझने के लिए यानी कंप्लीट पेनिट्रेशन केस में स्ट्रेंथ और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन केस में स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हम स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, हमारे पास ये दो प्लेटें हैं और इन दो प्लेटों को हमने क्या किया है, बट बेल्टिंग कर दी है। बट बेल्टिंग क्या है, इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम कंप्लीट पेनिट्रेशन और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन सारी चीज हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो इस लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक प्लेट हमारी ब्लू और दूसरी हमारी एक रेड कलर की प्लेट है और हमने क्या किया, दोनों को एक दूसरे के सामने रखकर हमने बेल्टिंग कर दी यानी बट बेल्टिंग हमने कर दी है। तो बट बेल्टिंग करने पर हमने ये देखा कि हमने यहाँ पर जो ग्रीन कलर में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर बट बेल्टिंग कर रहा हूँ यानी दो प्लेट की हमारी एजेस हैं और उनको एक दूसरे एक सेम प्लेन में हमने रखकर क्या कर दी, इन दो प्लेटों को हमने सेम प्लेन में रखकर उसमें हमने बट बेल्डिंग प्रोवाइड कर दी। हम जानते हैं बट बेल्डिंग किसे कहते हैं, जब दो प्लेटों की एज को एक ही प्लेन में एक दूसरे के सामने रखकर यानी सेम प्लेन में एक दूसरे सामने रखकर अगर हम बट बेल्डिंग कर अगर बेल्डिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बट बेल्डिंग हम कहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बट बेल्डिंग हमने कर दी। अब बेल्ट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक लेंथ आ गई यानी हमने कितनी लंबाई में बेल्डिंग की है वो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास एक एल आ गई यानी टोटल लेंथ हमारी आ गई बेल्ट की। दूसरी हमारे पास ये जो बेल्ट की थिकनेस है वो ये प्लेट की जो थिकनेस है वो टी है। तो उस केस में अगर हम बात करें टी इफेक्टिव का यहां पर क्या मतलब है, टी इफेक्टिव का मतलब है कि थ्रॉट थिकनेस कितनी होगी, थ्रॉट थिकनेस। तो देखें थ्रॉट थिकनेस की अगर हम बात करें तो सारी चीज हमें थ्रॉट थिकनेस समझने के लिए ही हमें क्या कंप्लीट पेनिट्रेशन को हमें समझना है। तो देखें जरा आप यहां पर अगर हम कंप्लीट पेनिट्रेशन केस में अगर स्ट्रेंथ निकालते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं, हम जानते हैं फार्मूला कि फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो फोर्स का मतलब यहां पर है स्ट्रेंथ से, तो स्ट्रेंथ बराबर यहां पर आप क्या कह सकते हैं, देखें स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की अगर हम बात करें बट बेल्ट केस में हमारे जो स्ट्रेस थे क्रिटिकल स्ट्रेस हमारे कौन से होते हैं, टेंशन स्ट्रेस। तो यहां पर हम कहेंगे परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारा कौन सा होता है, इनटू इफेक्टिव एरिया। अब इफेक्टिव एरिया का यहां से क्या मतलब है, तो अगर हम बट बेल्ट की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो उस केस में हम इसको और आगे अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ इक्वल टू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस को मैं यहां पर लिख देता हूं सिग्मा टी। यहां सिग्मा टी क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है, मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई यानी लेंथ ऑफ बेल्ट, या आप कह सकते हैं इसको हम इफेक्टिव लेंथ मल्टीप्लाई बाई यानी लेंथ इंटू थ्रॉट थिकनेस यानी इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। तो देखिए ये हमारा फार्मूला है एक्चुअल इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। अब आपको इसको मैं एक और डिटेल में यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें एरिया क्या है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एरिया हमारा क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। तो देखिए लेंथ इंटू विड्थ, अब यहां पर लेंथ का काम कौन सा कर रहा है, ये हमारी जो फ्लैट बेल्ट की लेंथ है वो, और जो हमारी विड्थ की बात करें अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारा जो इसके अंदर जो हमने बेल्ट किया है जो हमारा उसका इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस हम कितनी लेंगे वो यहां पर हम बात करेंगे। तो इसको अब आप कैसे लिख सकते हैं आगे, अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ इक्वल टू सिग्मा टी का मतलब क्या है, परमिसिबल टेंसर स्ट्रेस एंड एल इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाई टी इफेक्टिव। अब देखें यहां पर ये हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया और यहां पर एल इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ, और इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या है, टी इफेक्टिव हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो अब देखें यहां पर हमें समझने की जरूरत क्या है कि कंप्लीट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है। यहां पर देखें कंप्लीट पेनिट्रेशन का मतलब ये है जब हमारा बेल्ट मेटल पूरे जॉइंट की थिकनेस में हमारा डिपॉजिट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन। यानी जब हम बात करें इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन, तो कंप्लीट पेनिट्रेशन केस में हमें इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस कितनी लेनी है, हमें यही समझना है जो कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा था, पर फिर दोबारा यहां पर समझा देता हूं कि इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन यानी कंप्लीट पेनिट्रेशन के केस में हम कंप्लीट पेनिट्रेशन कब कहते हैं, जब हमारी बेल्ट जो बेल्ट मेटल है जब हम जॉइंट कर रहे हैं यानी हम दो प्लेटों को जॉइंट कर रहे हैं, जब हमारा बेल्ट मेटल कंप्लीट प्लेट के जॉइंट्स में फिल हो जाता है डिपॉजिट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन। तो देखें जैसे यहां पर हमने एक ये कौन सा जॉइंट है, यहां पर आप अगर इस जॉइंट का नाम लिखना चाहें तो ये हमारा कौन सा जॉइंट हो जाएगा, डबल बी जॉइंट,
डबल वी जॉइंट जो कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट में बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो डबल वी जॉइंट में हमने क्या किया, जब दोनों प्लेटों को एक दूसरे सामने रखा और हमने जब इसके अंदर बेल्डिंग इसके हमने अंदर प्रोवाइड करी, तो बेल्डिंग जब हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये हमने पूरी इसके अंदर बेल्डिंग यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दी, कुछ हमने इसमें ये बेल्डिंग हमने प्रोवाइड कर दी। तो बेल्डिंग जब हम इन दोनों प्लेटों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारा फ्यूजन जोन आ जाएगा। तो देखिए जब हम बेल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इस केस में क्या करते हैं, जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है, जो यहाँ पर हम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस यानी टी इफेक्टिव की अगर हम बात करें वो हम प्लेट की थिकनेस के बराबर ही ले लेते हैं। जो और कौन सी प्लेट की थिकनेस, थिनर प्लेट की थिकनेस, जो भी इन दोनों में से हमारी पतली प्लेट होगी, थिन प्लेट होगी, उसकी थिकनेस के बराबर हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे बात सिर्फ लेंथ की, लेंथ बात लेंथ की भी करनी है हमें, एल इफेक्टिव कितना लेंगे, बात हमें करनी है टी इफेक्टिव की, क्या मैं थ्रॉट थिकनेस इफेक्टिव कितनी लेनी है। तो यहां बात करेंगे इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन, इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन थ्रॉट थिकनेस इज टेकन, थ्रॉट थिकनेस इज टेकन एज द थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट यानी जो हमारे प्लेट की थिकनेस है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि टी इफेक्टिव यानी थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू टी, यहाँ पर हमारी टी इफेक्टिव क्या है, थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस एंड टी यहाँ पर क्या है, थिनर प्लेट थिकनेस, थिनर प्लेट थिकनेस। तो देखें जरा यहाँ पर जब हमारा कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा तो कंप्लीट पेनिट्रेशन के केस में हम बात करेंगे जो हमारे जो थ्रॉट थिकनेस है वो हम किसके लेंगे, यानी जो हमारी थ्रॉट थिकनेस है वो हमारी थिनर प्लेट की थिकनेस के बराबर ली जाएगी। अब यहाँ पर बात है कंप्लीट पेनिट्रेशन हमारा कब होता है, तो देखें उसके लिए अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो जितने भी हमारे डबल वी जॉइंट, डबल यू जॉइंट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम क्या देखें, डबल यू जॉइंट में हमारा कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा, डबल वी जॉइंट ऊपर लिख दिया, डबल यू जॉइंट, डबल यू जॉइंट भी हो गया हमारा, डबल बेवल्ड जॉइंट। तो जितने भी हमारे डबल नेम से हैं ईटीसी, यानी जितने भी हमारे कौन से डबल नेम से, जैसे कि डबल वी, डबल यू, डबल जे, डबल बेवल्ड, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये सारे एग्जांपल्स हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन के, क्योंकि हम यहां पर भी बेल्डिंग कर रहे हैं, इस साइड से भी बेल्डिंग करेंगे, उस साइड से भी बेल्डिंग करेंगे, तो हम ये पाएंगे इसके अंदर जो बेल्ड मेटल है वो कंप्लीटली डिपोजिट हो जाएगा, यानी बेल्ड मेटल इज डिपोजिटेड इन द जॉइंट थिकनेस, यानी जो हमारी जॉइंट की थिकनेस है उसमें कंप्लीट डिपोजिट हो जाएगा हमारा बेल्ड मेटल, जो हम बेल्ट जिस बेल्ट जिस धातु से हम बेल्डिंग कर रहे हैं। तो बेल्डिंग हमारे इस केस में जब हम एज को डबल वी शेप में यहां पर देखें, यहां पर हम डबल वी शेप बना रखी है, तो डबल वी शेप में अगर हम ऐसे बेल्डिंग करेंगे या डबल यू के केस में करेंगे या डबल जे के केस में करेंगे या डबल बेवल्ड केस में करेंगे, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि हमारी जो जो बेल्ड मेटल है वो हमारा कंप्लीट जॉइंट में फिल हो जाएगा। तो उस केस में जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस लेते हैं वो हम थिन प्लेट की, थिन प्लेट के इक्वल लेते हैं। अब देखें यहां पर एक चीज तो इक्वल हो गई कि कंप्लीट पेनिट्रेशन के केस में हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव टी इफेक्टिव थ्रॉट, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू थिनर प्लेट की थिकनेस, और एल इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो बट बेल्ड चाहे हमारा कंप्लीट पेनिट्रेशन का हो या और हमारा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का हो, इन बोथ केसेस हम क्या करते हैं, एल इफेक्टिव इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ बेल्ड हम प्रोवाइड कर देते हैं, इन एल इफेक्टिव इक्वल टू हमारी एल हम इसके अंदर लेते हैं, एल क्या है यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ है, और यही टोटल लेंथ हमारी क्या काम करती है, इफेक्टिव लेंथ का वर्क करती है। तो यहां से अगर हम फाइनली स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन, एग्जांपल लाइक डबल वी, डबल यू, डबल जे या फिर डबल बेवल्ट, इन सभी केसेस में अगर हम बात करें स्ट्रेंथ हमारी होगी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट एंड मल्टीप्लाई बाई थिनर प्लेट थिकनेस। ये हमारा फार्मूला फाइनली यहां से बन के आ गया, आपको याद रखना है T इक्वल टू थिनर प्लेट थिकनेस है, T इक्वल टू थ्रॉट थिकनेस है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, तो जो हमारा इफेक्टिव है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर T के बराबर हो जाएगा। तो ये तो सारी बात हो गई हमारी किसके केस में, जब हम कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा यानी हमारा डबल यू, डबल जे, डबल बेवल्ड या फिर हमारा डबल वी बेल्ट हमारा होगा, तो उस केस में हम कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा, यानी बेल्ट मेटल कंप्लीटली जॉइंट में फिल हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। तो जब बेल्ट मेटल पूरा इसके अंदर भर जाएगा तो उस केस में हम जो थ्रॉट थिकनेस लेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो उस केस में हम जो थ्रॉट थिकनेस ली जाती है पतली प्लेट की,
थिकनेस के बराबर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी इन दोनों में जो प्लेट पतली होगी उसके बराबर हम थ्रॉट थिकनेस को हम लेंगे। अब आगे बात करें इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में, सेम अगर हम बात करें इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में तो देखें जरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल वो सेम वर्ड है यहाँ पर हमें लिखने हैं। स्ट्रेंथ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। हम जानते हैं कि बट बेल्ट में जो हमारे स्ट्रेस होते हैं वो कौन से होते हैं, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव एरिया। अब इफेक्टिव एरिया बेल्ट हमें लेना है और यहां पर हमें एक केस हमने यहां पर लिया हुआ है, ये कैसा है हमारा सिंगल वी बेल्ट है। तो देखें सिंगल वी बेल्ट के केस में अगर हम बात करें तो सिंगल वी बेल्ट है, यहां पर कौन सा डबल वी बेल्ट था, तो यहां पर बेल्डिंग की कैटेगरी चेंज हो रही है, यानी बेल्ट की हमारा टाइप्स चेंज हो गया है। तो अब यहां पर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ हमारा अभी हमने पढ़ा कि अगर हम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी है और इफेक्टिव एरिया हमारा क्या होगा एल इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाई टी इफेक्टिव, यानी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आपको वैसे समझा चुका हूं मैं, यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। तो ये हमें देखना है कि थ्रॉट थिकनेस यहाँ पर हम कितनी कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ से अगर और आगे चलें तो स्ट्रेंथ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बराबर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस एल इफेक्टिव लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाई बाई टी इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। अब देखें यहाँ पर जरा, जब हम बेल्डिंग करते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का मतलब ये है when weld metal is not deposit fully in thickness of fully through the जो हमारे joint की thickness है उस joint की thickness में completely हमारा weld metal fill नहीं हो पाएगा, deposit नहीं हो पाएगा। और वो कब नहीं हो पाएगा, जब हम welding किस में करेंगे, single V weld में हम करते हैं। तो देखें जरा यहाँ पर single V weld में अगर हम welding provide करें तो welding हमारी effectively जो completely यानी deposit नहीं हो पाएगी, किसमें हमारे पूरी कंप्लीटली डिपॉजिट नहीं हो पाएगी। इस तरीके से अगर हम बात करें ये, तो यहाँ पर जो हमारी प्लेट की थिकनेस है वो अगर प्लेट की थिकनेस हमारी जो स्मॉल जो थिनर प्लेट की थिकनेस है यानी जो पतली प्लेट की थिकनेस है माना वो टी है, तो उस केस में हमारी जो इफेक्टिव होगी यहाँ पर टी इफेक्टिव यहाँ पर क्या है हमारा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस हम कितना लेते हैं इस केस में हम लेते हैं इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू 5/8 इनटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है, अब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कब होगा, जैसे यहाँ पर हमारा कंप्लीट पेनिट्रेशन कब हो रहा था, जब हमारा डबल वी डबल यू डबल जे बेल्ट हो रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो यहाँ पर सिंगल वी सिंगल यू सिंगल जे सिंगल बेवल्ड, तो जितने भी हमारे सिंगल के केसेस हैं सिंगल वी सिंगल यू सिंगल जे सिंगल बेवल्ड, तो इनके केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा बेल्ट बेटल है वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिपॉजिट नहीं हो पाता हमारी जो जिस प्लेटों को हम ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि बेल्ट मेटल इज नॉट डिपॉजिट कंप्लीटली एंड फुल्ली इन ज्वाइंट थिकनेस। तो हमारी जो ज्वाइंट की जो थिकनेस है उसमें कंप्लीटली डिपॉजिट नहीं हो पा रहा हमारा बेल्ट मेटल, तो उस केस में हम थ्रॉट थिकनेस को थोड़ा कम लेते हैं। कितना कम लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज टेकन एज 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के केस में हम जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस लेंगे यानी टी इफेक्टिव जो लिया जाएगा वो हमारी पतली प्लेट का 5/8 लिया जाएगा। यहाँ पर टी इफेक्टिव क्या है, थिकनेस ऑफ इफेक्टिव थ्रॉट, और दूसरा यानी इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस टी इफेक्टिव, और टी क्या है यहाँ पर हमारा, टी है थिनर प्लेट थिकनेस हमारी है
थिनर प्लेट थिकनेस, ये क्या है हमारा टी। तो देखें टी में अगर हम क्या करें 518 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेल्ड मेटल कंप्लीटली जॉइंट में डिपॉजिट नहीं हो पाया है, भर नहीं पाया है, फिल नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से हमें इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस को थोड़ा कम लेना पड़ेगा। और कम हम लेंगे कितना, 62.5% ऑफ थिनर प्लेट थिकनेस, यानी कि जो हमारी पतली प्लेट है उसकी थिकनेस का 62.5% हम लेंगे, या फिर आप यूं कहें कि जो हमारी पतली प्लेट की थिकनेस है उसका 5/8 टाइम्स हम क्या करेंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस को लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कंप्लीट पेनिट्रेशन और इनकंप्लीट पेनिट्रेशन में डिफरेंस है सिर्फ इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस का। इसमें इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमारी कंप्लीटली थिनर प्लेट की थिकनेस के बराबर ली गई है, इक्वल ली गई है, बट इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन उस केस में हम जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है वो 5/8 टाइम्स ली गई है हमारी थिनर प्लेट की थिकनेस की। तो इसको अगर हम और आगे सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाई एल इफेक्टिव। अब यहाँ पर देखें इस केस में एल इफेक्टिव यानी कि हमारी जो फ्लैट बेल्ट के बट बेल्ट के केस में अगर हम बात करें जो टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट होती है वही हम इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एल मल्टीप्लाई बाई टी इफेक्टिव, इस केस में हमें कितना लेना है 5/8 टी हमें लेना है, तो यहाँ पर टी इफेक्टिव भी जगह लिख दूंगा 5/8 टी। अब ये हमारा फार्मूला बन गया कंप्लीट फार्मूला कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस एंड टोटल लेंथ ऑफ बट बेल्ट 5/8 मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट यूज इन जॉइंट, जो जॉइंट में हम यूज की है जो हमारी पतली प्लेट की थिकनेस है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे यूज करेंगे जब हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन पर बट बेल्ट की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेंगे। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया जो सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल जे, सिंगल बेवल, ये जो सारे केसेस होंगे ये हमें किस में देखने को मिलेंगे, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में देखने को मिलेंगे। और आप इस तरीके से आप क्या करेंगे इसकी स्ट्रेंथ को आप डिटरमाइन करेंगे। बेसिक हमारा दो अंतर कहां पर है, सिर्फ टी इफेक्टिव में हमारा दोनों में हमें बेसिक डिफरेंस देखने को मिला। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने बात करी कि स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और कंप्लीट पेनिट्रेशन केस में हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, और कंप्लीट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, और थ्रोट थिकनेस हम कैसे कैसे दोनों की लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर एक है कि रेनफोर्समेंट इन बट बेल्ट वो क्या है, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।